क्या रिपोर्ट आई है सर? मेरे ख्याल में लाश लावारिस है सर, और मैं तो इसको कहता हूँ कि फौरन दफना देना चाहिए। बाद में खाम खा के बखेड़े जाहिर होते रहेंगे, पहले भी हम पर बहुत बोझ है सर, फिर बाद में लाश के नित नए नए कटे खुलते रहेंगे सर। मिस्टर नासर जी सर, तुम्हारी बातों से तो मुझे लग रहा है कि पुलिस जॉब से थक गए हो तुम। यू मे रिजाइन नाउ। सॉरी सर, सर मैं तो नौकरी बड़े बड़े दिल से करना चाहता हूँ सर, मुझे तो बहुत मजा आता है जब मैं मुजरमों को छत्रोल करता हूँ सर। सुन लो तुम, और कोई लाश भी लावारस नहीं होती, बल्कि लाश को लावारस बनाया जाता है, और इस लाश की तफ्तीश करके तो हमें वर्सा और कातलों तक पहुंचना है। दिस इज आवर ड्यूटी। मिस सारा, इंस्पेक्टर जुहेब, आप दोनों इस लाश के मुतल्लक मालूमात इकट्ठी करें और खोज लगाएं कि ये लावारस लाश है किसकी। राइट सर। सर लाश से हमें एक दो क्यूज मिले हैं, हम इनकी बाबत तफ्तीश करके इंशाल्लाह जल्द ही खोज लगाने में कामयाब हो जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद हमें मौत की सही वजह भी पता चल जाएगी और हमारी तफ्तीश में भी मददगार साबित होगी। सर मेरे ख्याल के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद अखबार में एक इश्तिहार जरूर देना चाहिए। जी बिल्कुल, ताकि लावारिस लाश की खबर इसके वर्षा तक जल्द से जल्द पहुंच सके, क्योंकि अभी तक ये भी नहीं पता चला कि लाश का ताल्लुक किसी करीबी इलाकों से है या मुल्क के किसी दूर दराज इलाके से लाकर इधर फेंक दिया गया हो। सर मिस सारा, इंस्पेक्टर रफीक ठीक कह रहे हैं सर, जितनी जल्दी लाश के वारिस लाश को ले जाएंगे ना, उतनी जल्दी हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी सर। शर्म करो, एक पुलिस अफसर होने के नाते तुम्हें ये बातें हरगिज नहीं करनी चाहिए। सर चमड़े की जुबान है ना सर, तिलक जाती है सर। मिस्टर रफीक सर, एक दो मकामी अखबारात के अलावा किसी बड़े अखबार में, यानी जो नेशनल लेवल पे शाये होता हो, मेरा मतलब जैसे रोजनामा पाकिस्तान है, किसी ऐसे अखबार में भी इसका इश्तहार दे देना। राइट सर, ऐसा ही होगा। गुड, वेरी गुड। आप लोग सुन लो, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए तो मुझे जरूर आगाह करना। सर ऐसा ही होगा। सर आप हैं तो मुझसे सीनियर, लेकिन जहां तक अकल का ताल्लुक है आप मुझसे जूनियर हैं। अहमद, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं, अगर आइंदा बेइज्जती करने की कोशिश की ना तो तुम्हारे मुंह पर चपेड़ मारने से जरा घृणा नहीं करूंगा मैं। सर मैंने आपकी बेइज्जती तो नहीं की। ना ना, तुमने मेरी इज्जत की है, तुम्हें तो सूट मारना चाहिए, एक फुल लगाना चाहिए। अकल के हिसाब से जूनियर किसको कहते हैं तुम्हें पता है? किसको कहते हैं? इसका मतलब क्या है पता है? क्या? खोता। खोता? सर मैंने आपको खोता तो नहीं कहा, बल्कि आप खुद अपने आप को खोता कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब तो ये था कि इतना काम मुझसे कोई और अफसर नहीं करवाता जितना आप करवाते हैं। आपका काम कर करके मैंने इतनी अकल इस्तेमाल की है कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। आपके केस मैं ही तो हल करता हूँ, और देखें मेरी सेहत कितनी गिर गई है। इसमें तुम्हारा ही फायदा है, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, तुम जितनी अकल इस्तेमाल करोगे उतने अकलमंद बन जाओगे, फिर लोग तुम्हें दानिशवार कहेंगे, दानिशवार। सर आपके पास मेरे से ज्यादा मोटी अकल है, थोड़ी बहुत आप भी इस्तेमाल कर लें प्लीज। सर ये लाश की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। मुझे डॉक्टर की लिखाई को पढ़ना और कत्ल की तफ्तीश करना बराबर लग रहे हैं। सर लगता है आपकी नजर भी कमजोर हो गई है। वाकई नजर कमजोर लग रही है मुझे। अहमद, मिस सारा ठीक कह रही है, वाकई मेरी नजर कमजोर है। ये जरा पढ़ के सुनाओ। सर अकल के अंधे तो आप थे ही, नजर के अंधे कब से हो गए? देखो अहमद, मैं मिस सारा की वजह से तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, तुमने शायद मुजरमों को पीटते हुए देखा नहीं मुझे। मैं जिस तरह मुजरमों को पीटता हूँ ना, तुम देख लो तो तुम मेरे साथ मजाक करना छोड़ दो। सर इसमें लिखा है मौत गला दबाने की वजह से हुई है, और साथ में जबरदस्ती भी की गई है।
हो, बड़ा जुल्म हुआ है बेचारी के साथ। ये रिपोर्ट आपको एसएसपी साहब को भी दिखानी है। ये मैंने रिपोर्ट देनी है? नहीं नहीं, ये आप इंस्पेक्टर रफीक की ड्यूटी लगाएं या ये खुद आप रिपोर्ट दें। मेरे मुंह से खामखा कोई बकवास निकल गई? नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप ये रिपोर्ट खुद दें या इंस्पेक्टर रफीक को दें। ओके सर, जैसे आपकी मर्जी। अहमद मियां, कोई यार चाय का कोई ऑर्डर दो यार, सुबह के चाय नहीं पी और चक्कर आ रहे हैं मुझे। जाओ चाय का ऑर्डर दो। चक्कर आना तो सर आपकी पुरानी आदत है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तो मौत गला दबाने से हुई है और साथ ज्यादती भी की गई है। जिस्म के निशानात इस चीज की इकासी करते हैं कि इस दौरान इस औरत ने काफी मुजाहमत भी की है। सर हमने फिंगरप्रिंट्स ले लिए हैं, जो ही मुजरिम गिरफ्तार होता है तो हम फिंगरप्रिंट्स के जरिए उसकी शिनाख्त कर लेंगे। सर कपड़ों से जो दाग धब्बे मिले हैं हमने वो केमिकल एग्जामिनर को भिजवा दिए हैं, इसकी रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगी। मिस्टर रफीक, आपसे मैंने कहा था कि रोजनामा पाकिस्तान में इश्तहार दे दीजिएगा, वो आपने दिया? सर मैंने आपके हुक्म के मुताबिक रोजनामा पाकिस्तान में इश्तहार दे दिया, कल के अखबार में इश्तहार आ जाएगा। मेरे ख्याल में लाश को एक दो दिन के लिए मुर्दा खाने में रख दिया जाए, हो सकता है उसके वर्षा तक खबर एक दो दिन में पहुँच जाए। सर अगर वर्षा ना आए तो लाश को हमें अमानतन दफना देना चाहिए। बिल्कुल ठीक। लाश के मुतल्लक कोई और खबर? सर एक अहम खबर और भी है, हमें लाश की शलवार के नेफे से एक कागज पे दो फोन नंबर्स मिले हैं जिसमें एक नंबर ऑन है और एक बंद, और कपड़ों के साथ सिला हुआ दर्जी की दुकान का एक स्टिकर भी मिला है और स्टिकर पे किसी सनम जरी हाउस का नाम लिखा है। जो नंबर ऑन है उसको ट्रेस करो और जब नंबर ट्रेस हो जाए तो इस पर फौरी एक्शन लो और ये जानने की कोशिश करो कि ये नंबर किसका है। अगर ये नंबर हमें मिल गया तो ये समझो कि हमारी तफ्तीश का रास्ता हमवार हो गया है। और साथ आप लोग ये भी पता करो कि ये सनम जरी हाउस कहां पर है। सर मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह जल्द ही हम मुजरिम तक पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे। बस किसी तरह से हमें लाश के वर्सा मिल जाए फिर कत्ल की गुत्थी खुद खुद सुलझने लगेगी। नजमा, नजमा, देखो जुल्म हो गया, हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। जो लोग आपकी बेटी को लेकर गए थे उन लोगों के मुतालिक आप लोग कुछ जानते हैं? कौन लोग? खबरदार, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या आप लोग उनकी शक्ल और सूरत को पहचान सकते हैं? लेकिन याद रहे जब तक आपकी बेटी के कातिल नहीं मिलते आप लोगों का और हमारा रिश्ता रहेगा।